नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। देखिए, इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको धातुओं और अधातुओं से बने हुए कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में बताया था। थोड़े बहुत कुछ यौगिक और रह गए थे जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आ जाइए सभी मेरे साथ, इंजॉय करिए इन यौगिकों को। देखिए, आप बेकिंग सोडे का नाम तो आप सबने सुना ही होगा दोस्तों। किसके बारे में सुना होगा आपने? बेकिंग सोडे के बारे में तो आप सबको पता ही है, ठीक है। कभी कोई पकोड़े बनाते हैं, है? पकोड़े बनाते हैं या गुलाब जामुन बनाते हैं या केक बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं अपने राजस्थान में, तो बोलते हैं थोड़ा इसमें सोडा डाल दो, और सोडा डालने से वो बाटी या पकौड़ा है वो बहुत फूल जाता है, अच्छा अच्छा बनता है, लगता है बना के खाना पड़ेगा, अच्छा हो गई है। अब इधर आप देखिए ध्यान पूर्वक कि भैया बेकिंग सोडा है, इसका रासायनिक नाम तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं दोस्तों। देखिए आप ध्यान पूर्वक, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है खाने के सोडे का नाम है बेकिंग सोडा, आई बात आपको समझ में? इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर अर्थात बेक करने पर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, और यह CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, जिसके कारण जो खाने वाली चीजें जैसे केक हो गया या ब्रेड हो गई वो फूल कर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। जैसे कि ब्रेड बनानी है तो ब्रेड बनाते समय जब आटा ओसड़ेंगे ना उसका, तो उसमें थोड़ा बहुत क्या मिला देंगे? बेकिंग सोडा मिला देंगे, और फिर उसका जब ऐसे सांचा बना के उसको गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म होता है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें से CO2 निकलेगी, और ये CO2 निकल निकल के भागेगी बाहर आटे में से बुलबुले के रूप में, और आटे में छोटे 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 बुलबुले बन जाएंगे, आटा फूल जाएगा, और जो उससे ब्रेड या जो केक बनेगी वो भी ऐसी फूली फूली बनेगी बहुत बढ़िया बनेगी भैया, मजा आ जाएगा जिंदगी का। आप आई बात आपको समझ में? तो NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। बहुत सारी विधियां हैं बेकिंग सोडा बनाने की, जैसे कि NaCl का उपयोग करके भी अपन क्या बना सकते हैं दोस्तों? बेकिंग सोडा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहां पर आप देखिए, ठीक है, NaCl 250 ग्राम, काली मिर्ची 600 ग्राम, अरे तो मजाक वाली बात है, ऐसे नहीं बनेगा। इधर आप देखो ध्यान पूर्वक, NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। कैसे बनेगा देखो, याद तो करना ही पड़ेगा। ये जो अभिक्रिया है ना दोस्तों, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है NaCl H2O, इसे आपको लिखकर याद करना होगा दोस्तों। एक दो बार रफ कॉपी में आप लिखना, आपको याद हो जाएगी। पहले आप समझ लो, NaCl ले लिया, नमक ले लिया भैया थोड़ा, और नमक के अंदर अपन ने पानी मिलाया, या पानी में भी नमक डाल सकते। साथ ही साथ दोस्तों क्या किया, उस के अंदर CO2 गैस प्रवाहित की और उसमें थोड़ा सा डाल दिया अमोनिया। क्या डाल दिया? NH3 मतलब अमोनिया डाल दिया दोस्तों, अमोनिया NH3 डाल दिया दोस्तों। क्या डाल दिया? ये तीन छुप गया नी के पीछे, हाँ छोटा कर देता हूं, अमोनिया डाल दिया भैया। तो क्या ले लिया? नमक लिया। क्या लिया? एक तो अपने नमक लिया, और नमक के अंदर पानी मिलाया, CO2 मिलाई, और क्या डाल दिया? अमोनिया डाल दिया। क्रिया होगी रासायनिक, और क्या बन जाएगा? अपने आप ही उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा, और क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा, NH4Cl प्राप्त होगा। कैसे होगा जरा ये भी देख लीजिए आप ध्यान पूर्वक। यहां पर आप देखिए दोस्तों, जैसे कि देखिए एक Na आया है यहां पर, आई बात आपको समझ में? और ये Na क्या करेगा? ये Na क्या करेगा दोस्तों? Na इस H2O में से एक हाइड्रोजन ले लेगा, एक तो क्या ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा, और क्या करेगा? एक ऑक्सीजन भी ले लेगा, और इस CO2 को पूरे को ही ले लेगा। तो क्या बन गया यहां पर? Na
एच CO2 की जगह क्या बढ़ गया CO3, क्योंकि CO2 में जब इस H2O का O जोड़ देंगे तो बताओ CO3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब क्या रह गया दोस्तों यहां पर, अब यहां पर रह चुका है एक तो रह गया NH3 रह गया दोस्तों, एक रह गया Cl रह गया दोस्तों, और साथ ही साथ यहां पर क्या जुड़ गया, साथ ही साथ यहां पर दोस्तों एक H भी रह गया। तो जब ये H इस NH3 के पास में जाएगा तो बताओ NH4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये Cl भी इस NH4 के पीछे आ जाएगा तो क्या बन गया NH4Cl बन गया दोस्तों। तो यहां पर जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से करवाई जाती है तो उत्पाद में दो चीजें प्राप्त होगी, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने करके भी इसे बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है क्या बताया गया है यहां पर, अगर अपन सोडियम कार्बोनेट ले ले Na2CO3 ले ले दोस्तों, और अगर इस Na2CO3 के अंदर अगर अपन क्या प्रवाहित करें, इस Na2CO3 के अंदर अगर अपन क्या कर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें, Na2 आप देखो पानी ले लिया, पानी लेकर क्या करा उस पानी में सोडियम कार्बोनेट को घोल लिया, और सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस डालेंगे तो अपने आप क्या बन जाएगी दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा यहां आप देखिए जरा ध्यान पूर्वक, देखिए Na2CO3 ले लिया, CO2 ले लिया, H2O ले लिया, तो अपने आप ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो अणु बन जाएंगे दोस्तों। अब देखिए आगे आप ध्यान पूर्वक, गुण क्या है इसका कि ये भैया सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो शक्कर जैसे दिखते हैं, मिश्री जैसे दिखते हैं, हीरे जैसे दिखते हैं, आई बात आपको समझ में। तो ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, पानी में ये अल्प विलय होता है। अगर आप इस बेकिंग सोडे को पानी में घोलोगे ना तो थोड़ा घुलेगा थोड़ा नहीं घुलेगा, मतलब अल्प विलय ये होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि भैया क्षार है ये, इसको अगर आप पानी में घोलोगे, इसको किस में घोलोगे दोस्तों, पानी में घोलोगे तो पानी हल्का क्षारीय हो जाएगा। और भैया जब बेकिंग सोडे को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसी वजह से तो केक ब्रेड पकौड़ियां पार्टियां वगैरह क्या हो जाती है, फूल जाती है। जैसे आप देखो अपन ने क्या ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, जब आप इसे गर्म करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसे गर्म करेंगे तो क्या निकलेगी इसमें से, इस CO3 में से क्या निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी दोस्तों, CO2 निकल जाएगी, ये रही वो CO2, और इस CO2 के कारण ही आटे में बुलबुले पड़ जाएंगे। क्या हो रहा है यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक, एक तो 2Na से बन गया Na2 बन गया दोस्तों, आई बात आपको समझ में। अब यहां पर CO3 भी कितने हैं दोस्तों, दो CO3 है यहां पर, क्योंकि पूरे के आगे दो लिखा हुआ है, आई बात आपको समझ में। तो एक CO3 तो ऐसा का ऐसा आ गया, लेकिन अभी भी एक CO3 बाकी है दोस्तों। क्या क्या बाकी है यहां पर, दो तो हाइड्रोजन बाकी है यहां पर, और एक बाकी है दोस्तों CO3 बाकी है यहां पर, ये दो चीजें अभी भी यहां पर बची है दोस्तों। अब क्या होगा, 2H से बन जाएगा H2, और इसमें से आ जाएगा एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। जब इसमें से एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो यहां रह जाएगा CO2, और वो यहां आ जाएगी दोस्तों। तो भैया जब बेकिंग सोडे को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इसमें से CO2 गैस निकलती है, ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान में। अब उपयोग क्या है भैया इसका, खाद्य पदार्थों की बेकिंग में करने में, खाद्य पदार्थों की बेकिंग करने में, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं दोस्तों। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, बहुत एक होता है ना जो नींबू वींबू घुमाते रहते हैं, बोतल डाल के फिर आवाज आती है ठका, फिर सोडा बनाते हैं फिर पिलाते हैं, तो जो वो सोडा पानी बनाने में भी, सोडा वाटर बनाने में भी इस खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसे मीठा सोडा भी कह सकते हैं अपन, आई बात आपको समझ में। पेट की अम्लता को दूर करने में एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है,
कई लोग है ना ज्यादा चाय पी लेते हैं, कॉफी खा लेते हैं, उल्टे सीधे कचौड़े पकौड़े सब कुछ खा लेते हैं, फिर बाद में उनको खट्टा खट्टा सा लगता है कि खट्टी खट्टी डकारे आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, फिर बोल रहे हैं हाय एसिडिटी हो गई भैया। अब एसिडिटी का मतलब क्या है कि जो अमाशय है उसमें अम्ल ज्यादा बन रहा है, अमाशय में क्या बन रहा है, अम्ल ज्यादा बन रहा है। अब उस अम्ल को कम करने के लिए क्या करना होगा, उस अम्ल में आपको क्षार मिलाना होगा। जैसे ही अम्ल में क्षार मिलाओगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और अम्लीयता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो भैया जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, अम्ल ज्यादा बन रहा है उल्टा सीधा खाने से, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को थोड़ा घोल बनाकर पिया जा सकता है, उससे क्या होता है एसिडिटी थोड़ी दूर हो जाती है। और तो और दोस्तों क्या है, मंद पूतिरोधी में भी माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मंद पूतिरोधी का मतलब है दोस्तों चोट लग गई, छोटी मोटी चोट लग गई तो वहां पर भी इस खाने के सोडे का उपयोग करके थोड़ा ठीक किया जा सकता है, मतलब कि छोटे मोटे जीवाणुओं से ये हमारे चोटों को बचाता है। पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक का मतलब है छोटे मोटे सेप्टिक से ये बचाने का भी कार्य करता है। दोस्तों जो आग बुझाने का यंत्र होता है उसके अंदर भी क्या भरा रहता है, बेकिंग सोडा ही भरा रहता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इस आग बुझाने के यंत्र के अंदर क्या होता है, एक स्विच होता है, जैसे उसको अपन दबाते हैं तो ये बेकिंग सोडा है ना ये अम्ल से बहुत सारी क्रिया कर लेता है और इस बेकिंग सोडे में से बहुत सारी CO2 गैस निकलती है और वो CO2 गैस आग को बुझा देती है। दोस्तों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब अपन किसके बारे में देखेंगे, धावन सोडे के बारे में देखेंगे। खाने का सोडा तो अपन ने देख लिया, जिसे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, रासायनिक नाम क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, धावन सोडा के बारे में देखेंगे। खाने का सोडा देख लिया, अब धोने का सोडा देखेंगे दोस्तों, जिसका उपयोग कपड़े धोने के साबुन में, नहाने के साबुन में किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। दोस्तों क्या है, Na2CO3 10H2O इसका क्या है फॉर्मूला, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 NH क्या है दोस्तों, NaHCO3 था, जबकि कपड़े धोने के सोडे का नाम, कपड़े धोने के सोडे का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। दोस्तों इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट है। इसमें क्या होता है, एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ में कौन जुड़े रहते हैं, 10 जल के अणु जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं, 10 जल के अणु जुड़े रहते हैं और किस रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। दरअसल क्या होता है, जब इसका निर्माण किया जाता है ना इस धावन सोडे का, तो इसके इसके बनते हैं क्रिस्टल, शक्कर और मिश्री की तरह इसके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल, और उन क्रिस्टलों में जल बंद हो जाता है। और एक अणु के साथ में कितने जल के अणु हो सकते हैं, 10, तो Na2CO3 के साथ में 10H2O आएगा। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से भी निर्माण किया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि से किया जा सकता है, साल्वे विधि से, याद रखना आप। इसी प्रकार से दोस्तों एक अन्य विधि है जिसमें बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा प्राप्त होता है। एक विधि है दोस्तों जिसमें क्या करते हैं, सुनना, सबसे पहले लिया अपन ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया, वही ले लिया, NaHCO3 ले लिया, क्या ले लिया, NaHCO3 ले लिया, और इसके दो अणु लेने दोस्तों, दो लिख देना सामने ताकि अभिक्रिया संतुलित हो सके। अब यहां पर क्या बन गया भैया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, देखो NaHCO3 से क्या बन गया, Na2CO3 बन गया, ये 2 है ना, Na के बाद आ गया, देखो सबके आगे दो लिखा हुआ है ना, सबके आगे दो, इसका मतलब क्या है, Na भी 2 है, H भी 2 है और CO3 भी क्या है, 2 है। अब यहां पर 3 लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब क्या है कि ओनली फॉर ऑक्सीजन 3 है,
आई बात आपको समझ में दोस्तों। तो अब आप देखिए 2Na है तो इसको अपन Na2 भी बोल सकते हैं, और भैया CO3 में से अपन ने क्या निकाल दिया, CO3 ऐसा का ऐसा ले लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कुछ यहां पर क्या है, दो दो है, दो Na थे पूरे के पूरे यहां चले गए, लेकिन अभी भी यहां पर क्या बचा भैया, दो तो हाइड्रोजन बची है और एक CO3 बचा है भैया, तो भैया वो ही बन जाएगा यहां पर H2O बन जाएगा और बन जाएगी CO2 गैस बन जाएगी दोस्तों, क्या बन जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी। आई बात आपको समझ में। अब इधर देखिए आप दोस्तों ध्यानपूर्वक, अब आप देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है यहां पर, या जो धोने का जो ये सोडा बना है दोस्तों, ये जो धोने का सोडा बना है दोस्तों, ये रहा Na2CO3। अब क्या करते हैं अपन, अब आप खुद देखो, अपन ने क्या करा, खाने का सोडा ले लिया NaSCO3, इसको गर्म करा, ये जो त्रिभुज का निशान है इसका मतलब क्या, गर्म किया, गर्म करोगे तो इसमें से दो चीजें तीन चीजें अलग हो जाएगी, इस खाने के सोडे में से जो धावन सोडा Na2CO3 वो अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, CO2 गैस अलग ही हो जाएगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक घोल सा बन जाएगा इसको गर्म करने पर, जब आप उसको थोड़ी देर रहने देंगे, जब आप Na2CO3 और इस H2O को रहने देंगे थोड़ी देर, तो धीरे धीरे Na2CO3 जमने लग जाएगा, शक्कर के समान उसमें दाने यानी कि क्रिस्टल बनने लग जाएंगे जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं, और Na2CO3 प्लस H2O जो था वो बदल जाएगा Na2CO3.H2O में दोस्तों, और क्या है यहां पर धावन सोडे का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। अब गुण क्या है भैया, ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में ये विलय होता है तभी तो कपड़े धो पाते हैं आसानी से, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, और क्षारीय होने के कारण जो कपड़ों पर जो तेलीय गंदगी है, तेल से बनी हुई, घी से बनी हुई गंदगी जो कपड़ों पर लग जाती है वो आसानी से हट जाती है। भैया अगर आप धावन सोडे को गर्म करते, इस Na2CO3.NH2 को गर्म करते, तो जो इसमें जो जल है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। गर्म करने पर इसमें पाया जाने वाला क्रिस्टलन जल को यह त्याग देता है, और त्याग कर क्या बनाता है, सोडा एस बनाता है। अगर आप इसे गर्म कर देंगे ना दोस्तों, Na2CO3.10H2O को गर्म कर देंगे, तो ये 10H2O बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और रह जाएगा केवल Na2CO3 दोस्तों, और ये जो बनेगा ये काले रंग का होगा, काला काला सा राख बन जाएगा दोस्तों, काली काली सी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, जिसे क्या बोलेंगे, सोडा एस भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, सोडा एस कहते हैं। और भैया गर्म कितने में करना है, इसे 373 केल्विन से भी अधिक ताप पर गर्म करना है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं, धुलाई के अंदर किया जाता है, या धुलाई और सफाई में सीधी सी बात है, धावन सोडा है तो धोने के काम में आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों कास्टिक सोडा भी, यहां पर आप देखिए, आपने सुना होगा कास्टिक सोडे के बारे में, कास्टिक सोडे के निर्माण में भी धावन सोडे को काम में लिया जाता है, बेकिंग पाउडर निर्माण में, कांच के अंदर दोस्तों, कांच उद्योग में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, साबुन निर्माण के अंदर दोस्तों, बोरेक्स के निर्माण में दोस्तों, ये भी एक प्रकार का क्या है, कांच है दोस्तों, और भी एक बोरेक्स एक पदार्थ भी होता है जिसको बनाने में किया जाता है दोस्तों, अपमार्जक के रूप में किया जाता है। अपमार्जक मतलब क्या होता है, कपड़े धोने का जो सर्फ होता है, जो सर्फ होता है दोस्तों, जो सर्फ होता है ना, ठीक है, वो बोलते हैं ना उजाला सी शक्ति, वो वाला, वो बनाने में किसको काम में लेते हैं अपन, धावन सोडे को, Na2CO3.10H2O को काम में लेते हैं। कागज उद्योग में, पेंट उद्योग में, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो 100% क्या होगा, उपयोग होगा ही दोस्तों, चाहे नमक हो NaCl, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, चाहे भैया क्या हो अपना, चाहे अपना ये Na2CO3.10H2O मतलब धावन सोडा हो, इन सभी का उपयोग प्रयोगशाला में किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, इन सभी का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है।
अब अपन किसके बारे में देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो याद तो आपको करना पड़ेगा, जो समझाने का है वो मैं आपको समझाते जा रहा हूं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा भैया। अब देखो ध्यानपूर्वक आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, कैल्शियम सल्फेट। क्या है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट और हाफ एच टू ओ। क्या है इसका फॉर्मूला, तो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.HF2O। CaSO4 के साथ में जल का कितना अणु है, केवल आधा अणु जुड़ा हुआ है, जबकि भैया वो धावन सोडे के अंदर तो कितना था, 10H2O था, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कितना होता है, केवल जल का आधा अणु ही होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है। क्या बोल सकते हैं इसे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। और उसको क्या बोल सकते थे, उसको क्या बोल सकते थे, इसका क्या नाम बोल रख सकते थे अपन, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल सकते हैं धावन सोडे को, जबकि भैया इसको क्या बोल सकते हैं अपन, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बोल सकते हैं। इसका सर्वप्रथम निर्माण कहां किया गया था, देखिए आप ध्यानपूर्वक, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके। जिप्सम एक पदार्थ होता है दोस्तों, जमीन को जब खोदते तो उससे निकलता है जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। मतलब कि जिप्सम के जो अणु होते हैं ना, उसमें हमेशा दो जल के अणु जुड़े रहते हैं। कितने जल के अणु जुड़े रहते हैं, दो जल के अणु जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आ रहा हूं तो मेरे ये चश्मा हमेशा जुड़ा रहता है, तो वैसे आप समझ लो कि जैसे ये जिप्सम है ना CaSO4, इसके साथ में कितने अणु जल के रहते हैं, दो अणु जल के रहते हैं। तो भैया देखो आप, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था। जिप्सम लिया, फ्रांस की राजधानी थी पेरिस, एक जगह थी फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है, पेरिस। और पेरिस के अंदर क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, जिप्सम ले लिया, और जिप्सम को जब गर्म किया इन्होंने, तो एक ठोस सा पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसका इन्होंने क्या नाम रख दिया, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया गया। इसे पीओपी भी कहते हैं शॉर्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब कैसे बना सकते हैं इसे, वही विधि है जो जो फ्रांस के पेरिस में हुआ, वही अपन कर देते हैं कि भैया जिप्सम ले लेते हैं, CaSO4.2H2O ले लिया, और इसको लगभग 393 केल्विन ताप तक अपन गर्म कर देते हैं। अब गर्म करने पर क्या होगा, ये जो जल है ना, ये उड़ जाएगा, कम हो जाएगा जल, तो CaSO4.HF2O यहां पर रह जाएगा, लगभग डेढ़ जल यहां पर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और आधा जल ही यहां पर रह जाएगा। तो देखो अपने दो अणु ले लिए जिप्सम के, 2CaSO4.2H2O, और यहां पर इसको अपन ने जब गर्म कर दिया दोस्तों 393 केल्विन तापमान के ऊपर, तो क्या बन गया यहां पर, वैसा का वैसा ही बन गया 2CaSO4, वैसा का वैसा आ गया, डॉट 2H2O की जगह बस आपको याद रखना है हाफ H2O दोस्तों। और यहां पर जो तीन जल के अणु है वो यहां पर निकल गए। अब आप बोले सर आप अभी तो डेढ़ बोल रहे थे, अभी तो आप डेढ़ बोल रहे थे, अरे तो भैया सबके आगे देखो ना दो लिखा हुआ है, तो डेढ़ दूनी तीन हो गए ना। आगे बात आपको समझ में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रख लेना आप, CaSO4.HF2O। पीओपी का और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। अगर क्या करें अपन, इस ताप को और बढ़ा दे, 393 से भी ज्यादा बढ़ा दे, 500 केल्विन कर दे, तो ये जो आधा जल है ना ये भी उड़ जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, जिसे क्या कहेंगे, डेड बर्नड प्लास्टर भी कहते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब गुण देख लेते हैं जरा प्लास्टर ऑफ पेरिस के, कि भैया ये सफेद रंग का होता है, आपने देखो ना किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं तो भैया वो पट्टा बांधते हैं, कपड़ा लपेट देते हैं ऐसे, जैसे हाथ टूट गया तो हाथ पे कपड़ा लपेट रहे हैं, और कपड़े के ऊपर सफेद रंग का एक पेस्ट भी लगा देते हैं। क्या है वो सफेद रंग का पेस्ट, पेरिस है।
पेरिस का उपयोग आपने देखा होगा ना, वो भी आते हैं कौन वो पुताई करने वाला, यू सटासट सटासट यू पेरिस करते हैं। आई बात आपने सुना होगा ना, वो भी क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, जो सफेद रंग की कर रहे हैं ना दीवारों पे सफेदी। आई बात आपको समझ में, ठीक है। तो भैया सफेद रंग का है तभी तो सफेदी करने काम में आ रहा है। पट्टा सफेद क्यों होता है, क्योंकि इस पर सफेद रंग का पेरिस लगा रहता है। ठोस होता है, चिकना होता है भैया ये, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया, पाउडर के रूप में होता है, उसमें जैसे ही पानी डालोगे थोड़ी सी देर में जमकर वो कठोर हो जाएगा, भाटे के जैसा हो जाएगा। यहां पर देख लो कैसे, जैसे कि अपन लिया है भैया खरीद के मार्केट से, पेरिस लिया है अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है, अब अपन उसको काम में लेना चाहते हैं। तो भैया ये देखो CaSO4 हाफ H2O लिया है अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां पर इसके दो ही अणु लेने हैं, ठीक है। लेंगे तो कट्टा भर के, लेकिन जब लिखते हैं ना रासायनिक अभिक्रियाओं में तो ये ध्यान रखना है दो, क्यों, क्योंकि अभिक्रिया संतुलित हो सके इसलिए, ठीक है। तो CaSO4 हाफ H2O ले लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया, इसमें अपन पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, 3 H2O ले लिया, यहां पर पानी डाला, पानी तो बहुत सारा डाला, जाने कितने करोड़ों H2O थे उसमें, लेकिन लिखते समय 3 H2O लिखना है क्योंकि अपन को अभिक्रिया संतुलित करनी है इसलिए। तो भैया यहां पर क्या बन जाएगा, वापस CaSO4 डॉट, जो जिप्सम को गर्म करने पर जो पानी उड़ गया था इतना ही पानी वापस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CaSO4.2H2O बन जाएगा। दोस्तों ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान, उपयोग क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्या उपयोग है दोस्तों, तो इसका उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आते हैं ना माता जी चाय बना लो सटासट लगे रहते हैं, आई बात आपको समझ में। दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, दांतों के सांचे बनाने में, दांत ये नहीं कि प्लास्टर का दांत लगा दिया वरना के प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पता चला भैया रोटी खाते खाते दांत भी पेट में चले गया रोटी के साथ में, ऐसा नहीं होता, सांचा बनाते हैं पहले, फिर उस सांचे का उपयोग करते हुए फिर असली अच्छा दांत बनाया जाता है। मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस को काम में लेते हैं। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस एक अग्नि सह पदार्थ है, इसका उपयोग अग्नि को सहने वाली वस्तुओं के रूप में भी किया जाता है। जो मूर्तियां जो पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए होते हैं वो आसानी से जलती नहीं है दोस्तों, ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, सही बता रहा हूं, मन लगाकर दो बार बस देख लेना, काम हो जाएगा आपका, क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसमें से, सीईटी में भी आएंगे, और अगर कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर अगर यौगिक दे रखे कि कार्बनिक यानी क्या दे रखे, धातुओं और अधातुओं से बने हुए यौगिकों के बारे में अगर दे रखा है थोड़ा भी सिलेबस में कहीं पर, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखना, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।